काम करने की छोटी मोटी ललक है कि एक आध दो शिविर विविर लग गए, छोटा मोटा एक मंच लग गया, कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम हो गए, उनके लिए ब्यूरोक्रेसी ठीक है। पर अगर आप समाज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं इसके समग्र परिवर्तन की अगर आप बात करते हैं, तो राजनीतिक अतिरिक्त और कोई फोरम आपके पास नहीं है कि जहां आपकी काम कर सके। अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो लोग हैं निसंदेह वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, और मतलब दे चुके हैं, वो कुछ लोग दे चुके हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का और तंत्र की खामियां और तंत्र के जो नियम कानून कायदे हैं इसकी गहरी समझ का बंदा बाहर राजनीति में नहीं आएगा, तब तक ये जो हम देखते हैं बाहर, आप सब लोग भी पत्रकार हैं तो बहुत बेहतर वाकिफ हैं चीजों से, इसको हम पूरा नहीं कर सकते। आज अगर आपको इंदौर में कंट्रीब्यूट करना है तो आपको आईएएस आईपीएस या पीसीएस होना जरूरी है, नहीं तो शहर में आपको एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर एक आम आदमी, एक बेहतर आदमी, एक प्रोफेसर अगर 62 साल में रिटायर होता है और फिजिकली फिट है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पर इस तरह का कोई फोरम हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आम लोगों के लिए कोई ऐसा फोरम कि जहां लोग उत्साह के साथ आके और बेहतर काम कर सके ऐसी कोई जगह। स्कूलों की यह स्थिति है पूरे प्रदेश में, इंदौर के भी आप सरकारी स्कूल ले लें तो बहुत बुरी स्थिति है। हम डेली कॉलेज से इंदौर का शैक्षणिक स्तर जो है वो नहीं नाप सकते, वो धनाढ्य वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन मल्हार आश्रम जैसा स्कूल जो एक जमाने में, मैं समझता हूँ कि इंदौर तो क्या आसपास के डिवीजन में जिसका नाम चलता था, आज आप जाके देखें कि वहां क्या स्थिति, जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, और अभी भी मध्य प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हों और कोई ये कहे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी है, तो आप समझ जाओ कि वो कैसी क्रांति हो गई। 70-72% डॉक्टरों के पद खाली हैं, 21,000 स्कूल ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जो एकल शिक्षक स्कूल है। एकल शिक्षक स्कूल अपने आप में एक मजाक है कि 4-5 क्लास को पढ़ाने के लिए अगर एक शिक्षक वहां है, तो आप समझ लो 21,000 स्कूलों में यदि आप मान लें 50 बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो आप सोचें कि कितनी बड़ी जो गरीब आबादी के बच्चे वहां, उनकी शिक्षा का क्या हाल और क्या स्तर। आज भी प्रदेश से पहले लगा कि साहब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आ जाए, आ गया सिस्टम, लेकिन आज भी प्रदेश में ये स्थिति है कि 31 बच्चे रोज गायब होते हैं, जिसमें 5 मेल और बाकी जो है वो बच्चियां रहती, 26 बच्चियां रोज गायब हो रही हैं, और ये सिलसिला बरसों से चल रहा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती पर कोई आगे बात नहीं। एग्रीकल्चर में कहा गया कि साहब किसानों की आय दुगनी करनी है, एग्रीकल्चर की ये स्थिति है कि लगभग 14,800 पद जो है एग्रीकल्चर में कुल सेंक्शन, आबादी बढ़ी लेकिन पद हमारे उतने के उतने रहे, और उन पदों में से 6,500 पद खाली है इस। अब अगर विभाग में आधा अमला है ही नहीं आपके पास तो कैसे काम होगा यार। डॉक्टर्स जो है 70-72% नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ लगभग 47% की कमी है, 50-52% जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैरामेडिकल स्टाफ, एक डॉक्टर लगभग 3700-3800 लोगों को मतलब सेवाएं दे रहा है, जबकि WHO का नॉर्म है कि 1000 के एक होना चाहिए। परिस्थितियां धीरे धीरे बड़ी विकट हो रही है। कोविड के बाद एक वर्ग तो ऐसा था कि जो लोगों को लाइन में लग के खाना ले सकता था, जो पैकेट बटे उसमें लोगों ने अपना महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीने गुजार दिए लोगों, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था कि जो सामाजिक संकोच के चलते वो इस तरह का पैकेट भी नहीं ले पाया। 25-30 हजार की आमदनी के ग्रुप के जो लोग थे उनके परिवार बहुत दुर्दिन की स्थिति गुजार रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में। इकोनॉमी पूरी बैठ रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों की बड़ी बात होती है, खाद बीज के नकली खाद बीज के मामले राज्य वाइज जो डेटा है उसमें मध्य प्रदेश नकली खाद नकली बीज के मामले में नंबर 1 पर है। आप सोचो कि हमारा स्टेट जो है वो एग्रो स्टेट है बेसिकली, और अगर वहां हम किसानों के प्रति, एग्रीकल्चर विभाग में 50% लोग हैं, यहाँ खाद बीज नकली खाद बीज के सबसे ज्यादा मामले वहां दर्ज है, आप सोचो कि कुछ समय बाद, अभी हिंदुस्तानियों में चूंकि बचत करने की प्रैक्टिस है तो कुछ बचा हुआ पैसा है जो साल दो साल में धीरे धीरे आ रहा है, इसके बाद स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर फेसबुक
और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।